अगला एक्सपेरिमेंट है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है, आपने इससे पहले थ्योरी में ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं पढ़ते हैं। तो एम एक बार हम देख लेते हैं क्या है बच्चों। एम है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है बच्चों, बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, कैसे मेजर किया जाता है, क्विकली देख लेते हैं एक बार। चलिए, हमने एक बच्चों एक गैल्वेनोमीटर लेना है। ठीक है, ओके। यहां एक हमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना होता है। ठीक है, हम एक कैपिटल आर जो मैं मार्क कर रहा हूं ना बच्चों, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जो काफी बड़े हाई रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका काफी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए बच्चों, जिसमें 4000, 5000, 10000 ओम भी होना चाहिए। ओके, चलिए, हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस मतलब ऑब्वियसली जीरो, आप एक ओम से लेकर के 10000 ओम तक की कोई भी की निकाल के रेजिस्टेंस बॉक्स का यूज कर सकते हैं। बड़े रेजिस्टेंसेज होने चाहिए। एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स भी आता है जिसे शंट बॉक्स कहते हैं, जिसमें 100 ओम तक की होती है। ओके, अब यहां हमने एक बैटरी एलिमिनेटर लगा दिया है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, सुन लीजिए ध्यान से। ठीक है, हम बैटरी एलिमिनेटर में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, से 2 वोल्ट ले लेते हैं। हमने 2 वोल्ट की वैल्यू ले ली, चलिए। ठीक है, उसके बाद हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से बच्चों एक ऐसा रेजिस्टेंस निकालना है जिससे कि गैल्वेनोमीटर में इवन डिफ्लेक्शन आए। इवन मतलब इवन नंबर ऑफ डिविजन्स दिखाए, या तो 10 डिविजन या 12 डिविजन या 14 डिविजन या 16 डिविजन या 18 डिविजन या 20 डिविजन। ठीक है, अब जानते हैं गैल्वेनोमीटर दिखने में कैसा होता है। गैल्वेनोमीटर देखने में ऐसा होता है बालकों। ठीक है, और ये रहा आपका स्केल, है ना। गैल्वेनोमीटर का जीरो जो है बिल्कुल बीच में होता है बच्चों, और उसके बाद में ये डिविजन्स होते हैं, स्मॉल डिविजन्स। ठीक है, राइट। अब यहां पर जो है आपको ऐसे देखना है कि जो रीडिंग है वो ऐसा है 1 2, जैसे या तो 2 3 4, या तो 4 डिविजन्स आए, या फिर 6 डिविजन्स आए, या फिर 8 डिविजन्स आए, या फिर 10 डिविजन आए, कोई भी डिविजन आए, मतलब ऑड नहीं होना चाहिए, 7 9 11 13 नहीं होना चाहिए डिविजन, इवन नंबर ऑफ डिविजन्स होने चाहिए। क्या मतलब, फिर से कैपिटल आर वाले रेजिस्टेंस बॉक्स से एक हाई रेजिस्टेंस निकालना होगा हमें, और वो हाई रेजिस्टेंस हमें ऐसे निकालना है जिससे कि नंबर ऑफ डिविजन जो आए वो इवन आए। इवन मतलब 10 12 14 16, ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं। ओके, तो वो जो भी आएगा हम वो करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो करंट जो भी होगा वो क्या होता है, वो करंट होगा आई इज इक्वल टू बैटरी की वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जी लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये कंडक्टेंस नहीं है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, अब क्या करें, अब हम बच्चों इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं जिसे हम शंट कह रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स ही होता है, ये भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसका स्मॉल रेजिस्टेंस हो, स्मॉल रेजिस्टेंस मतलब 100 ओम तक का। ठीक है, अब हमें बच्चों यहां पर मान लीजिए हमने ऊपर एक की बनाई हुई थी, मैंने पहले नहीं बनाई, डजेंट मैटर, हम डायरेक्टली ऑन ऑफ कर लेते। यहां पर हमने एक की K1 बनाई हुई थी, नीचे हम एक की K2 बनाएंगे। ठीक है, अब बच्चों हमें ये की क्लोज कर देनी है, ये की क्लोज कर देनी है। ठीक है, ये की क्लोज करके इस शंट बॉक्स में से हमें ऐसा रेजिस्टेंस निकालना है जिससे कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग एग्जैक्टली आधी हो जाए। अगर पहले सिर्फ इतने वाले सर्किट में अगर पहले 12 डिवीजन थे तो अब कैपिटल एस की कोई एक ऐसी वैल्यू निकाल लें जिससे कि अब 6 डिविजन्स हो जाएं। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, 6 डिविजन्स हो गए मतलब इस गैल्वेनोमीटर में अब जो है करंट आधा हो गया है बच्चों, हाफ हो गया है। अच्छा, सर्किट में से गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब हमें अगर रेजिस्टेंस कैपिटल जी से करंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, देखिए वो निकलेगा
टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देखिए बैटरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कैपिटल आर, जी और एस पैरेलल में है बच्चों, जी एस अपॉन जी प्लस एस, ये है बेटा इस बार करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी की वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस, ठीक है, परफेक्ट है। अब अगर आपसे बोला जाए कि भैया गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा, तो अब यहां पर आप आई करंट, मैं ऊपर वाले आई को इरेज कर देता हूं, है ना, ये पहले वाले केस का कैपिटल आई है, अब जो आई स्मॉल आई करंट आ रहा होगा चेंज हो जाएगा ना जब ये सर्किट में आ गया, तो इसमें से कितना करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा, ठीक है, तो कितना करंट गैल्वेनोमीटर से जाएगा, आई वन इससे आई टू, तो I1 कैसे निकलेगा बच्चों, इसके लिए हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लेंगे, या सॉरी करंट डिवाइडर रूल लगा लेंगे। करंट डिवाइडर रूल क्या होता है बच्चों बताओ, अगर हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं R1 और R2 पैरेलल में, ठीक है, और तो इसमें I1 करंट गया और इसमें I2 गया बच्चों, तो I1 करंट होता है टोटल करंट नीचे वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होता है I1 करंट। तो ठीक है, अब I1 करंट क्या होगा बताओ, गैल्वेनोमीटर से करंट क्या होगा बताओ, ये होगा टोटल करंट इनटू नीचे वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, आई हमें पता है, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं ये कहानी एक बार, ओके, देखिए अब हमें आई वन पता है, आई कितना है, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस जी एस डिवाइडेड बाय बच्चों जी प्लस एस मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, एंड वॉट इज दैट समथिंग, दैट समथिंग इज एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस बच्चों, ठीक है, परफेक्ट है। अब हमें बोला गया है, हमने क्या किया था बताइए एक्सपेरिमेंट में, हमने पहले कैपिटल आर की कोई वैल्यू ली थी 10,000 से 10,000 ओम, और मान लीजिए उसमें गैल्वेनोमीटर में 12 डिवीजन आए थे। अब शंट रेजिस्टेंस में हमने इस रेजिस्टेंस बॉक्स से ऐसा रेजिस्टेंस निकाला कि वो डिफ्लेक्शन एग्जैक्टली आधे हो गए, 12 के 6 हो गए। अच्छा, डिफ्लेक्शन आधे होने का क्या मतलब है, डिफ्लेक्शन आधे होने का मतलब है बच्चों कि जो पहले करंट कैपिटल आई फ्लो कर रहा था गैल्वेनोमीटर से जब हमने शंट को कनेक्ट नहीं किया था, अब वो करंट एग्जैक्टली आधा हो गया होगा, तभी तो डिफ्लेक्शन हाफ हुई है। तो आई वन करंट बाद में जो गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर रहा है वो पहले वाले करंट का हाफ है बच्चों, इसीलिए इस मेथड का नाम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। ई एस डिवाइडेड बाय बच्चों आर प्लस जी एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस इनटू जी प्लस एस, ठीक है बच्चों, यहां से आई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस जी, ठीक है, मैं कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए नहीं कर रहा हूं, आई की वैल्यू अगर हम इधर पुट कर देते हैं, ई डिवाइडेड बाय आर प्लस जी, ई और ई कैंसिल कर देते हैं, और बाद में हम अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो ये अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आता है कैपिटल आर, बड़ा वाला रेजिस्टेंस बॉक्स में जो भी रेजिस्टेंस था, इनटू शंट बॉक्स में जो आपने रेजिस्टेंस निकाला जिससे कि डिफ्लेक्शन पहले वाली डिफ्लेक्शन का आधा कर दिया डिफ्लेक्शन, डिवाइडेड बाय आर माइनस एस, प्लस नहीं होता बच्चों, आर माइनस एस आता है इस फॉर्मूले में, ठीक है, ये हम कैलकुलेट करके निकालेंगे आई की वैल्यू, ये वाली वैल्यू को उधर सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट अवॉइड किया आपके लिए, ठीक है। फिर से एक बार हम क्विकली देखते हैं अभी एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एक गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं। हमने कैपिटल आर की एक वैल्यू ली, ठीक है, हम एक चलिए ऐसा करते हैं कि एक बार हमें फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, मैं आपको क्विकली एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। अभी तक हम जान चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर एस अपॉन आर माइनस एस होता है, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, क्योंकि मैं खुद ही बना रहा हूं रीडिंग्स, तो हो भी सकता है कि हर बार सेम रेजिस्टेंस ना आए। मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो देखते हैं आर की कुछ वैल्यू लेते हैं, फिर देखते हैं कितना डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में, फिर एस की क्या वैल्यू लेने पे डिफ्लेक्शन सीधे आधा हो जाएगा, ओके, फिर हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये लगा के निकाल सकते हैं। देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे बच्चों, एक बार हम देखते हैं कि आखिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इसको कैसे किया जाएगा, ओके, हमने 10,000 ओम निकाला कैपिटल आर, ठीक है बेटा, 10K ओम निकाला, उससे क्या देखा हमने, उससे हमने देखा बच्चों कि मान लीजिए यहां पर आ रहे हैं 10 डिवीजन, फिर हमने एक शंट की वैल्यू ले ली, शंट रेजिस्टेंस कितना लिया हमने, मान लीजिए हमने लिया 10 ओम, ठीक है, और 10 की सीधे आधी हो गई डिफ्लेक्शन, 5 डिवीजन। अब हमें शंट रेजिस्टेंस कितना लेना है, अपनी मर्जी से नहीं लेना है कुछ भी, उतना लेना है जिससे कि डिफ्लेक्शन अगर पहले 10 थी तो 5 हो जाए, 12 थी तो 6 हो जाए, 18 थी तो 9 हो जाए। बेटा हमारे पास कैपिटल आर की एक वैल्यू आ गई,
कैपिटल एस की वैल्यू हमने वो लिए जिससे कि डिफ्लेक्शन हाफ हो जाए, इस फॉर्मूले में पुट किया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें भली भांति प्राप्त हो गया, है ना बच्चों। ऐसे ही आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। आप 12,000 ओम ले सकते हैं, 6,000 ओम ले सकते हैं। अब कैपिटल आर ऐसे लेना है कि डिविजन इवन आए, क्योंकि फिर तभी तो आधी कर पाएंगे। अब 11 में 5.5 तो पता नहीं लगेगा ना कहां पे, ठीक है। तो फिर कैपिटल आर की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है, 6,000 ओम लेना है, तो फिर डिवीजन मान लीजिए 16 आए, शंट की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि डिवीजन 8 हो जाए, और बस आर और एस की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकलेगा, 2-3 रीडिंग लेने के बाद एवरेज लेना होगा बच्चों। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आ गई बात, ओके, फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है। अब हम गैल्वेनोमीटर का फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करेंगे। फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट करने से पहले हमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम हाफ डिफ्लेक्शन से मेजर कर सकते हैं। चलिए, तो अब आ जाती है बात फिगर ऑफ मेरिट की बच्चों। काफी सिंपल है फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है बताइए। फिगर ऑफ मेरिट होता है बच्चों गैल्वेनोमीटर, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे जितना भी करंट दिखाएगा। ओके, मान लीजिए रीडिंग्स हैं, ये जीरो यहां होता है गैल्वेनोमीटर का, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे कितना करंट दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां जीरो और फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बीच में कितने डिविजन्स हैं, तो के होता है मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। के क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट। वो क्या होता है, मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर दिखाता है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, जिसे आप यहां पर एन बोल सकते हैं या फिर हम यहां पर थीटा बोल सकते हैं, जो कि हम पिछले एक्सपेरिमेंट में थीटा बोल रहे थे, ठीक है। आ जाइए, अब हम क्या करेंगे फिगर ऑफ मेरिट नापने के लिए बच्चों, नीचे वाला ये सारा सर्किट हटा देंगे। ओके, तो हमने ये सारा सर्किट हटा दिया, और हम पहले से भी रीडिंग ले चुके हैं, चाहे तो हम वही रीडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैपिटल आई करंट फ्लो करेगा, ठीक है बच्चों, हम कोई एक कैपिटल आर की वैल्यू ले लेंगे, कैपिटल आर की कोई वैल्यू ले लेंगे। गैल्वेनोमीटर से करंट कैसे निकाला जा सकता है, आई या फिर आईजी, एक ही बात है। यहां पर जो आई करंट फ्लो कर रहा है वो गैल्वेनोमीटर से भी कर रहा है, ठीक है। आईजी तो नहीं, चलिए आई मान लेते हैं, गैल्वेनोमीटर में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई, वो क्या होगा, बैटरी की वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बड़े वाले रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला हुआ है, हाई रेजिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम हाफ डिफ्लेक्शन से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये आएगा करंट फ्लोइंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। मान लीजिए इस करंट में 12 डिविजन्स आ रहे हैं, तो जितने भी डिविजन्स आ रहे हैं हम उस नंबर ऑफ डिविजन से डिवाइड कर देंगे। थीटा बेटा 30, 40, 45 डिग्री एंगल नहीं है, थीटा नंबर ऑफ डिविजन है, 10, 12, 14, 16, वही वैल्यू पुट करनी है, 10, 12, 14, 16 जो भी आता है, ठीक है। बस अब आप करंट की यूनिट क्या थी, E बाय आर प्लस जी क्या था, एम्पियर, थीटा से नंबर ऑफ डिविजन से डिवाइड किया तो एम्पियर पर डिविजन, ठीक है बेटा। अगर आपने एक सेकेंड, हम इसको आई रहने देते हैं अभी, इस करंट को एम्पियर ही मान लेते हैं, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट होता है गैल्वेनोमीटर में पर डिविजन पे कितना करंट आ रहा है, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, हर एक डिविजन पे कितनी करंट की वैल्यू है उसे हम फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। तो जो भी करंट आ रहा है गैल्वेनोमीटर से उसे डिवाइड कर दो कितने डिविजन्स दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। ई जो बैटरी एलिमिनेटर की वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज है, आर जो बिग रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने निकाली हुई है वो लेना है, कैपिटल जी हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर का मेजर किया हुआ रेजिस्टेंस है, थीटा कितने डिविजन्स आ रहे हैं गैल्वेनोमीटर पे वो है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हम फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग कैपिटल आर की वैल्यूज के लिए हम, है ना, अलग अलग थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो अलग अलग फिगर ऑफ मेरिट आएगा, उन सबका एवरेज ले लेंगे, एग्जैक्ट फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर आएगा, जो कि अंदाजन 10-20 माइक्रो एम्पियर पर डिविजन होता है, ठीक है।